हाँ भाई, तो आते हैं नीचे की तरफ, अब बढ़ते हैं दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटी, सबसे बड़ा पठार, सबसे विस्तृत पठार है, तो बढ़ा देते हैं, यानी बाउंडेड बाई, हाँ हाँ जी, बोलो भी। सर नेटवर्क नहीं आ रहे। तो तुम जो है फोन करो, दूसरे मोबाइल पर फोन करो। लैपटॉप से कनेक्ट है? लैपटॉप से कनेक्ट है तो फिर दूसरे मोबाइल फोन कर दो। आ गए सब धीरे धीरे, चलो अच्छा हुआ, बाबा चक्कर में किसी को छूटा नहीं, भला कर जाते हैं बाबा लोगों का अनजाने में ही सही। बहुत बढ़िया आदमी है। इसलिए बाबा कोई कुछ कहा ना करे। अब बात करते हैं कि ये किससे बाउंडेड है, देक्कन का पठार। मतलब ये पूरा साउथ में फैला हुआ त्रिभुजाकार रूप में। ऊपर सतपुड़ा, फिर इधर पूर्वी घाट, ईस्ट में पूर्वी घाट और वेस्ट में पश्चिमी घाट, घाट से पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इट कवर एन एरिया अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब यह कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। और इसके नॉर्थ में महादेव और मैकाल की पहाड़ियां हैं, है ना, और इसके पैचेस भी देखने को मिलते हैं गुजरात में भी, फर्टाइल सॉइल, रेगुर जिसे काली मृदा कहते हैं, बेसाल्टिक लावा से इसका फॉर्मेशन हुआ है। एवरेज एलिवेशन की बात करें, औसत ऊंचाई, और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। प्रौढ़ मृदा का पुरानी है, प्रौढ़ मृदा का बना हुआ है। प्रौढ़ मृदा कैसी मिट्टी है, काली मृदा जिसे रेगुर, है ना, भी कहा जाता है, या कपास मृदा भी कहा जाता है। इसलिए ये रीजन कैश क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है, जैसे कपास हो गया। ट्रैक्टर से देखा जाए तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर, है ना, तो ये सब इसी के बेल्ट में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर, करम छोटा, दक्कन के पठार के रेंज में ही पाए जाते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त कहवा उत्पादन में भी अग्रणी है कर्नाटक,
सर क्या उत्पादन में? कहवा कॉफी कल्टीवेशन और मसाले की खेती के लिए भी आदर्श क्षेत्र है। गेहूं की खेती को भी सपोर्ट करते हैं, आलू की खेती को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त शुगर केन के लिए बहुत अमृत है ना, महाराष्ट्र शुगर केन में काफी है। आगे मतलब कि जो वहां की गन्ना है, उत्तर प्रदेश के गन्ने से ज्यादा रसीला होता है, उसमें और भी कई चीजें हैं, महासागरीय प्रभाव है, सॉइल टाइप है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पेरिसिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, नकलिंग जिसे कहते हैं, मतलब कि जो पेराई करते हैं गन्ने की, तो ज्यादा रस निकलता है। जैसे उत्तर प्रदेश गन्ने को 3 बार अंदर डाले और रस निकाले, और इसमें क्या होता है, इसमें मान लो इसको दूना 6 बार या 5 बार कह लो, इससे रस निकाला जा सकता है। एक और ऐसे बता रहा हूँ उदाहरण। एवरेज एलिवेशन, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, 600 मीटर। अब बात आती है, एक क्वेश्चन यहां से बना कि दक्कन के पठार की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ऑप्शन सी पहले घटती है फिर बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है फिर बढ़ती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती जाती नहीं, इसका उल्टा, साउथ में इसकी ऊंचाई अधिक है। है। हाँ, साउथ में इसकी ऊंचाई अधिक है और नॉर्थ में इसकी ऊंचाई कम है। साउथ में लगभग इसकी ऊंचाई है 1000 मीटर तक है ना, दक्षिण में इन साउथ, और नॉर्थ में लगभग 500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो यानी, और अगली बात करते हैं कि इसका ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कैसी होगी। पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है कि घटती घटती होगी, जाती है? हाँ, घट क्यों घटेगी? रही है फिर पूर्वी घाट की तरफ है ना, और नदियां बहती हैं तो कटाव करेगी, जब पूर्वी घाट का कर रही है तो ये बीच में आ रहा है तो इसका भी करेगी, तो डेफिनेटली पूर्व साइड घटेगा और पश्चिम साइड ऊंचा रहेगा। राइट, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि नदियां हैं जो कटाई करेंगी, इस कारण से उसको घिस करके काम कर देंगी इस साइड में, और नदियों के कारण ये पठार कई भिन्न छोटे पठारों में बटा हुआ है। ठीक है, जिनके स्थानीय नाम, मतलब कि जो दक्कन का पठार है उसका स्थानीय नाम है। अब बात आती है कि ये बना कैसे होगा। इसका निर्माण हुआ था जब अफ्रीका से भारत अलग हो रहा था, ठीक है, रोडीनिया से, रोडीनिया सुपर कॉन्टिनेंट का विघटन हो रहा था। तो जब विघटन हो रहा था तो प्लेट फट रही थी, जब प्लेट फट रही थी तो नीचे का लावा कहाँ जाएगा, तो नीचे से लावा उठेगा और यहीं गिरेगा, डिपॉजिट होगा। यानी कि ये किस प्रकार का पठार है, वोल्केनिक ज्वालामुखी पठार है, सबसे बड़ा, राइट, रियूनियन वोल्केनो। हाँ सही कहा, तो ज्वालामुखी पठार है, ठीक है, जो कि नीचे से आ रहा है लावा से ऊपर उठने के कारण बना हुआ है, जमीन फटी लावा ऊपर आया। ऐसे ही देखा जाए तो अफ्रीका में सोमालिया के और इरिट्रिया के पास में अभी एक एक्टिव वोल्केनो है, आर्टा एली, वो भी विघटन हो रहा है वहां पर ना, टूट करके प्लेट अलग होती जा रही है, तो वहां पर भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है।
किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो का निर्माण ऐसे हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में है ना, वहां पर भी फट रही है। नया ईस्ट अफ्रीका की भ्रंत घाटी बनी हुई है, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा कट फट करके अलग हो जाएगा। इस पर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है, बहुत डिटेल्ड, ठीक है, जिसको समझना हो वो लेक्चर देख सकता है, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर ही है पूर्वी अफ्रीका की भ्रंत घाटी पर, ठीक। तो ये हो गया इसके उद्भव की प्रक्रिया, किसी को अगर डाउट हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत खास बात नहीं थी इसमें, आ गया ना सबको? सर सच बताएं तो हमको नहीं आया। यस अच्छा ठीक है, तो फिर तो बता नहीं दे। सर, मेरे को बस इतना समझ में आया कि रोडिनिया काल के टाइम हुआ है, और कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बताइए देता हूँ। पहले एक समय ऐसा था है ना कि ये जो अफ्रीका है ये ऐसे नहीं था है ना, कुछ ऐसे हुआ करता था। और उसके पहले जब इससे साउथ अमेरिका भी जुड़ा हुआ था, अंटार्कटिका भी जुड़ा हुआ था है ना, यहाँ पर ये अटैच था, तो क्या कहलाता था? गोंडवाना। गोंडवाना फिर से विघटित हुआ, लेकिन अभी इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये इससे जुड़ा हुआ है, मेडागास्कर। तो ये कह रहा था रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट, हिमालय वाला बताए थे अभी वर्ल्ड में नहीं, इंडियन हाँ यस ज्योग्राफी में सर, ही, तो ये बात बताए थे ना कि हाँ अफ्रीका से कूद अंगारा करके लैंड, जी आकर जी के जी टकराया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वाला। हाँ तो वही कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये टूट गया, जब टूटा होगा, जब टूट रहा होगा, तो पहले इसमें दरार पड़ी होगी है ना बीच में, और जो नीचे से मटेरियल उठ रहा था, क्योंकि वही तो तोड़ रहा था मटेरियल, हार्ट स्पॉट बोल के, जब वो निकल निकल करके दोनों तरफ गिरा होगा, ठीक है, इधर भी उधर भी, उधर किलिमंजारो है, केन्या की उच्च भूमियां हैं, तंजानिया में है, जिम्बाब्वे में भी इस तरह की स्थिति है, पानी की किल्लत वहां भी है और अपनी तरफ भी है, क्योंकि ये पानी को रोक के रखता है, काली मिट्टी नीचे नहीं जाने देता है, तो ग्राउंड वाटर यहाँ पर कम होता है, ट्यूबवेल इरिगेशन यहाँ पर अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो भैया ये टूट करके यहाँ सरकते हुए फिसलते हुए ये स्लोप ग्रेडियंट इधर होने के कारण ज्यादा फैल गया, और इस फिर ये टूट करके अलग होकर के इधर चला आया। जी सर समझ गया। तो इस तरह से यानी कि ये पठार जो है हिमालय से भी पुराना है, ठीक है, ये पठार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से भी पुराना है, ठीक है। जी सर, हाँ, संसार का दूसरा सबसे पुराना पठार कह सकते हो वोल्केनिक, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी पठार है ये दक्कन का पठार, ठीक है। तो अभी जो हमने बताया, नई कंडीशन जो अभी देखने को मिल रही है अफ्रीका की, ये फिर से अफ्रीका टूट रहा है, भगवान को अफ्रीका के ऊपर बहुत गुस्सा लगी है ना,
खौर खाए हुए हैं इसके ऊपर, पता नहीं क्यों। ये फिर से टूट रहा है और यहां पर ईस्ट अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली कह सकते हो, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंत घाटी कह सकते हो, है ना, वो यहां पर बन रही है ऐसे। एक समय आएगा कि दोनों जुड़, और यहां पर ज्वालामुखी अपरदन शुरू हो चुका है जिसे क्या कहते हैं, आर्टा एली, ठीक है, यहाँ तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत भी है। खैर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, फिर एक समय आएगा कि पूरा फट जाएगा, है ना, और यहाँ पर हिंद महासागर का पानी एंट्री मार जाएगा और एक वाटर चैनल बन जाएगा, ये इधर को मूव करता जाएगा, एक समय आएगा कि ये पूरा और फट जाएगा, एक नया सागर ही बन जाएगा यहाँ पर, और ये जाएगा जहां जाएगा, जाना होगा हम लोगों से क्या करना है ना। इसको पूरा इस तरह से होने में जब आप लोग इसको देख पाओगे 10 मिलियन साल बाद, मतलब 100 लाख साल बाद तुम लोग है ना इसको ऐसे देख पाओगे, और जब तुम्हें कोई पढ़ाएगा मान लो फिर से तैयारी करते हो सिविल सर्विसेज की, तो तुम्हें बताया जाएगा जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि इंडिया पहले यहाँ था, ऐसे तुम कहोगे ये पहले यहाँ था, यहाँ ऐसे था, अब जो है यहाँ पर एक सागर बना हुआ है, सोमालियन सागर कह सकते हो, कह हो सकता नाम पड़ जाए इसका भविष्य में, है ना, ठीक है। इसलिए अगर इस जन्म में खूब अच्छे से पढ़े रहोगे तो अगले जन्म याद रहेगा, है ना, अंतरात्मा तक अगर तुम्हारे पहुंच गया तो। हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम मुक्त हो चुके आदमी है ना, तुम लोग जन्म लेते रहोगे अभी बार बार जन्म बार बार, है ना, आना जाना लगा रहेगा, पापी आत्माओं का यही हाल होता है कि नहीं, लेखना कर लेंगे आपके साथ में। तो यह दृश्य तुम लोग आराम से देख सकते हो, मुझे कोई शौक नहीं है मक्की में यह दृश्य देखूं, है ना, और मैं फिर से पढ़ाऊं इस तरह, ठीक है। तो क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब फिर आते हैं, वापस चले जाते हैं, तो ये जान गए कैसी मिट्टी कैसे क्या, पानी क्यों कम है बताया हमने, यहाँ पानी किल्लत क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है इम्परमिएबल टू द वाटर, इम्परमिएबल टू द वाटर मतलब जल पार गम्यता नहीं होती या अल अत्यल्प होती है, इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए डेक्कन प्लेट्यू रीजन इज फेमस फॉर द टैंक इरिगेशन, टैंक इरिगेशन इज मच पॉपुलर इन सदर्न इंडिया, ट्यूबल इरिगेशन और क्या कहते हैं नहर सिंचाई, ये दोनों ही यहां पर बहुत मुश्किल काम है, पानी बहुत गहराई में पाया जाता है, और दूसरी बात ये नहर यहाँ पर बनाना बहुत कठिन काम है क्योंकि जो चट्टान है वो बहुत ही कठोर है ना, यहाँ की जो चट्टाने हैं वो बहुत ही कठोर हैं, क्यों कठोर हैं, क्योंकि प्रौढ़ मृदा है, हार्ड सॉइल है ना। हाँ, अगली बात आती है कि इसके ऊपर एक क्या यहाँ पूरा पठारी पठार है क्या, कोई मैदान वैदान नहीं है क्या, कहीं है पूरा पठारी रीजन ही नहीं है, ये कनेक्ट करता है
छत्तीसगढ़ के मैदान से, बस्तर के पठार के इधर मैदान है और एकमात्र मैदान है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो एकमात्र मैदानी क्षेत्र है। दक्कन के पठार के साउथ नॉर्थ में, बस्तर के पठार के पश्चिम में है ना, और दंडकारण्य के पठार के वहां उसके भी पश्चिम में है ना, उत्तर ये तो यहाँ पर लगा रहे दिखाई देगा है ना, हाँ तो ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ऐसा है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो एकमात्र यहाँ पर मैदानी भाग है, यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान बाउंडेड बाई प्लेट्यूज एंड माउंटेनियस रीजन, और अकेला इकलौता बेचारा सही स्वरूप में मैदान है जहां से है सगुप्ता, है ना। सगुप्ता पेपर देने जा रही हो ना तुम, तो जरा बताओ कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? सर इसके ना तीन चार कारण है। कई लोग इसका मानते हैं कि भाई जो वहां कहां के तो राजा की प्रताड़ना से थक कर छत्तीसगढ़ यहाँ पर आके बस गए थे, इसके लिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और कई लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ पहले छत्तीसगढ़ का था, तो वही अभ्रंश होके छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना। गलत है सर, बुक में तो यही लिखा है, यही याद किया। बुक में कहाँ ये लिखा हुआ है, कौन सी यही लिखा हुआ है ना सर, जो हम लोग यहाँ से पढ़े हैं उसमें छत्तीसगढ़ का जो विकास ट्रेजिडी में नहीं हुआ है, ठीक है, ये हमेशा से एक अमीर क्षेत्र था। यहाँ पर एक डायनेस्टी थी, ठीक है, हैथाई वंशी, हैथाई वंश छत्तीसगढ़ में शासन करता था प्राचीन काल में, यहां पर हैथाई वंश था और यहां पर राजपूत क्षत्रिय शासन करते थे, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में कहीं इनका नाम नहीं सुने होंगे, क्यों? क्योंकि ये किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी प्रजा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए पूरा राज्य को, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जैसे अपनी जहां पर राजा रहते हैं स्वयं, मान लो एक टेरिटरी है ना, तो ये बीच में जहां राजा लोग रहते हैं मेन सेंटर है वहां पर उन्होंने किलाबंदी करवा दी कुछ 500 मीटर 300 मीटर 400 मीटर के एरिया में। ये ऐसे थे पूरा किंगडम ही किला बंद कर दिए और मोटी मोटी दीवारों का प्रयोग करके कि पूरे राज्य में ही तुम कहीं अटैक कर ही नहीं सकते, तो इनके ऊपर कोई अटैक करता ही नहीं था, है ना। 36 किले का निर्माण करवाया था जिसमें पूरा की पूरी जनता वास करती थी 36 फोर्ट्स के अंदर, है ना। क्या कर लोगे इनका, तो इनको कहीं तुम लड़ाई झगड़ा हो कुछ इसमें सुनने नहीं होगी इनके बारे में। तो 36 फोर्ट को कहते हैं गढ़, और 36 फोर्ट पे पूरा किंगडम इन्होंने घेरा हुआ था, है ना। मेन मेन जो प्रोमिनेंट प्लेसेस थे सब किला बंद कर दिया था, ठीक है, बाकी जिसको जंगल वंगल में जाके मरना हो जाके मरे पठार में, उनको कोई मतलब, ठीक है। तो इस कारण से इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ठीक है। अब बात आते हैं इसके बारे में, बात करें जो हम लोग पढ़ रहे थे दक्कन का पठार, इसके रीजनल नेम, जैसे महाराष्ट्र वाले पार्ट में इसे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र वाले पार्ट में इसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या कह दिए, महाराष्ट्र का पठार। मराठावाड़ा, महाराष्ट्र प्रेतू है ना, और उसके बाद यहाँ से गोदावरी और कृष्णा नदियां भीमा
मूसी, पलेरू ये सब काटते हुए जाती हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियां इसकी कटाई करती हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां ही महाराष्ट्र से निकलती पश्चिमी घाट से। कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो पठार है उसे मैसूर का पठार कहते हैं, या फिर कर्नाटक का पठार भी उसे कहा जाता है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो पठार है उसे कर्नाटक का पठार कहते हैं या मैसूर। मैसूर का पठार भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, 900 वेस्ट में, 600 ईस्ट में, ठीक है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक में, मतलब जो कर्नाटक वाले पार्ट में जो सबसे छोटी सबसे ऊंची चोटी है वो इसी पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? अन्नाई बुद्धि है क्या? वो तो पूरे वेस्टर्न घाट की है। मालगुड़ी? मालगुड़ी नहीं है ना। तो कुर्ग होगी। मुलयानगिरी। मुलयानगिरी ठीक है। बाबा बुदान पहाड़ी में है ये, और यहाँ पर लोहे का बहुत बड़ा भंडार है ऐसे पाए जाते हैं। अगली बात आती है कि इसी पठार पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से जुड़ता है, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से कनेक्ट होता है। कौन कौन सी पहाड़ियां इसको भी मैं बता चुका हूं, बताओ भाई। शेरोल है क्या? एक बिल्ली रंगा बेट्टा कुछ करके। हाँ राइट, बिल्ली गिरी रंगा बेट्टा और दोदा बेट्टा करके। बिल्ली गिरी रंगा बेट्टा नहीं, दोदा बेट्टा नहीं है, बिल्ली गिरी रंगना और तिरुपति घाट की है, तिरुमला और शेवरॉय ईस्टर्न घाट की, ठीक है। तिरुमला और शेवरॉय इधर बिलीगिरी रंगना बेट्टा ये दोनों आपस में हाँ मिलती। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस पठार की कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वेजिटेशन देखी जाती है जो पूरे भारत में दुर्लभ प्रकार की है, और वो बार बार पेपर में पूछी जाती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में जो पठार है उसके ऊपर बताओ भाई कोई कोई लिखो यहाँ चैट में, देखें तुम लोग का रिवीजन। सर जो सारा वेजिटेशन यहाँ पाया जाता है वही वाला ना? जो सारा वेजिटेशन यहाँ पाया जाता है वही वेजिटेशन के बारे में बोल रहे हैं ना? यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वेजिटेशन पाया जाता है, जंगल ही उसे कहते सर, वेजिटेशन वनस्पति वितान सर, घास भूमि 16 वन राइट। लक्ष्मी बोली हो गया तुम? जी सर। तो लक्ष्मी की आवाज थी? हाँ। जी सर, जी सर। ठीक, देखो सबकी आवाज में पहचान लेता हूँ। 16 वन फेमस फॉर द 16 फॉरेस्ट। चौथी बात कावेरी नदी जब इस पठार से गुजरती है तो यहाँ पर कावेरी नदी पर वैसे भी सबसे ज्यादा मतलब 3 नदी द्वीप ये बनाती है कावेरी नदी साउथ इंडिया में अपने मार्ग पे, जिसमें कि 2 इस पठार पे और 1 तमिलनाडु में है। 2 नदी द्वीप भी इस पठार पर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? क्या लगता है याद है किसी को? बताया हूं ये 3 में से 2 इसी मैसूर के पठार पे, कौन कौन से?
माजुली तो नहीं सर। अच्छा वो ऊपर है नॉर्थ ईस्ट में नीचे है सर, श्रीरंगपट्टनम और शिव सुंदरम द्वीप कावेरी नदी पर। हाँ बिल्कुल, शिव समुद्रम श्रीरंगपट्टनम ये दोनों हैं और तमिलनाडु में है श्रीरंगम। श्रीरंग पट्टनम ये दोनों हैं पठार पे, बाकी तमिलनाडु वाले प्लेटियो रीजन में कौन सा है श्री रंगम, इसको ध्यान रखना कई बार पूछा गया है। किस पर है? कावेरी नदी पर है। और भैया कितनी बार मैंने बोला था ऊपर है, ऊपर है ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। बाबा मुस्कुराया, तुम्हें खुद मजा आती है समझे, तुम्हें खुद आनंद आता है ये सब करने में, जानबूझ के तुम करते हो ये सब बदमाशी ताकि जो है मैं खुश हो जाऊं। सर हाँ सर एक बार नेम रिपीट कर दीजिए, क्या शिव समुद्रम है? शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम बहुत इंपॉर्टेंट, किस पर? कावेरी पर। अब बात आती है कि यहां शासन किसका था, मिडिवल पीरियड में बताओ कोई फेमस नाम, मिडिवल के मॉडर्न में बताओ, मॉडर्न में बताओ तो चलो। मॉडर्न में सर मैसूर डायनेस्टी थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान, 1793 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर थी वस्तुतः उदयार वंश जिसका सेनापति था हैदर अली, है ना, तो इसने फिर अपना कब्जा कर लिया है ना, बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि वापस जब टीपू को गिरफ्तार करके बंद कर दिया था, टीपू मर गए थे, तो वापस उडियार डायनेस्टी के जो एक इन्फेंट रूलर था उसको उठा गद्दी पर बैठा दिए थे मैसूर को, और बाद में इसका वो विलय किया गया था, लेकिन इसको पहले सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम से लॉर्ड बेलेजिली ने कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड बेलेजिली ने कौन सी नीति चलाया था? सहायक संधि। लॉर्ड बेलेजिली ने सहायक संधि चलाया था। अगली बात, चार पांच बातें हो गई, चार बातें हो गई, पांच बातें हो गई, छठी बात। ठीक है, छठी बात है कि यह पठार दो पार्ट में है। ठीक है, एक है वेस्ट में और एक है ईस्ट में, जो रिवर आइलैंड है वो ईस्ट वाले में है और वेस्ट में पहाड़ी क्षेत्र है, सोला का वन पहाड़ी का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है ना, ऊंचा खाली, ऊंचा खाली, ऊंचा खाली है ना, पठार है, और इधर मैदान वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि दो पार्ट में नाम है, एक है मालनद, मालनद और मैदान, ये दो पार्ट में है। ठीक है, तो पूर्व वाले को बोलेंगे मैदान, मैदान। ठीक है, वो रोलिंग प्लेन है, कटा फटा है नदियों के कारण और नदी द्वीप है, और जबकि मालनद वाले क्षेत्र में सोला वेजिटेशन है। ठीक है, वो ऊंचा उठा पठारी भाग है, ऊबड़ खाबड़ सा है लेकिन वो भी। ठीक जी सर। मालनद में घाटियां देखने को मिलती हैं गहरी गहरी और घना सोला वन है। इसके साउथ में नीलगिरी पहाड़ी आ जाती है दक्षिण वाले पार्ट में। ठीक है, और इधर जो बचा हुआ पार्ट है इसे कहते हैं तेलंगाना का पठार।
तेलंगाना का पठार। इसकी ऊंचाई 500 से 600 मीटर की है ना। इसका भी सदर्न पार्ट हायर नॉर्दर्न पार्ट है। यहाँ पर कट फिट के बहुत घिस के नीचा हो गया है क्योंकि सब नदियां इधर से गुजर रही हैं, गोदावरी कृष्णा उनकी का सहायक नदियां इधर से होकर के जा रही हैं इस कारण से। और पूर्वी घाट की भी जो नदियां हैं निकल करके आकर के पश्चिमी घाट की नदियों से मिल करके बाद में गिरती हैं, यानी कहने का मतलब ये घिस चुका है काफी हद तक। तो ये था भाई पूरा का पूरा दक्कन का पठार जो हम लोगों ने पढ़ डाला। इधर तमिलनाडु वाला सेक्शन में बहुत कम है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया में नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, उसके साउथ में थोड़ा पार्ट इसका देखने को मिलता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर इसका एरिया कम हो गया है तमिलनाडु में, केवल नीलगिरी के साउथ में थोड़ा पार्ट है जो तमिलनाडु के मैदानी भाग से जाकर के कनेक्ट होता है। तो ये खत्म। अब आते हैं ऊपर इधर इस साइड में, मेघालय का पठार बचा हुआ है ना, और कार्बी यंगलांग का पठार बचा हुआ है। तो सर यहाँ पर हम लोग एक था कर्नाटक वाले पठार में सबसे ऊंची चोटी मूलयांगिरी सर, वहां पर बाबा गुदान पहाड़ी जो ऐसा समथिंग था कुछ सर, वहां पर कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। पहाड़ी का नाम है बाबा, पहाड़ी का नाम है बाबा बुदान पहाड़ी जो आयरन रिच रीजन है, आयरन ठीक है हाँ। लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र भूमाफियाओं से प्रभावित है, इस कारण से मतलब कि जैसे इधर ये लोग नक्सली हो गए, वहां पर क्या करते हैं कि वो जो लोग है ना अन्ना, वो खुद ही कब्जा कर लेते हैं खानों पर और कहते हैं हम बेचेंगे हमारा एरिया हम बेचेंगे, है ना। इंजीनियर इंजीनियर को काट कुसीन फेंक देते हैं खान वान में। और स्कॉर्पियो होती है काली काली, अन्ना के साथ में कम से कम 20 गाड़ी चलती हैं और सब में गुंडे बैठे रहते हैं काली शर्ट वाले, और अन्ना उतरेंगे लुंगी होगी एकदम सफेद लुंगी है ना, और एक और ऊपर बनियान फुल बाजू वाली है ना, और ऊपर एक गमछा होगा और सोना मोटा सा सोना, मतलब कम से कम होगा 1.5-2 किलो का सोना लटक रहा होगा, धारदार हथियार और क्या, उनके अन्ना के साथ गाड़ी में रखा रहेगा। चलते हैं इस तरह से, वहां पुलिस पुलिस की कोई औकात नहीं, काट पीट बराबर करने और पूरा वहां वो जो है माइनिंग करके अपना इलीगली बेच लेते हैं, सरकार कुछ करवर नहीं पाती इनका। ये भू माफियाओं से आक्रांत है, इस कारण से यहाँ का जो आयरन ओर प्रोडक्शन है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। नक्सलियों से कह सकते हो कि ज्यादा अलग तरीके के लोग हैं, नकली नहीं है। इनका कहना मेरा है तो हम अपना हमारा क्षेत्र है हम बेचेंगे, है ना। गुंडा टाइप के होते हैं, बहुत तगड़े गुंडा है ना। और अन्ना लोगों के लड़के जो है विदेश में रहते हैं, और क्या विदेश में पढ़ते हैं, तो छोटे मोटे नहीं है। नक्सली बेचारे बहुत गरीब है, ठीक है हाँ। वहां हाँ, और वहां अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम और बढ़िया अच्छे ठीक ठाक हो जैसे अजय है, वहां चला जात अन्ना तुमको पकड़ के तुम्हारी शादी करवा देंगे अपनी लड़की से और तुमको तौल देंगे सोना चांदी से, अगर तुम इंजीनियर हो तो। सर अच्छी होनी चाहिए हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग तुम्हारी यहाँ इंडिया में ना हुई हो, समझे हाँ, विदेश कोई ना एक आध डिग्री लेके आ जाएंगे विदेश से हाँ। तो वहाँ बहुत यहाँ पर ये सब इधर वाले इधर यही ट्रेंड चलता है, इंजीनियर हो लड़का लड़की को लेकर के विदेश चला जाए, यहाँ कोई पंगा ना रहे, है ना। और तुमको इतना पैसा वहाँ तौलते हैं, तौल देते हैं लोग, मतलब जैसे तुम्हारा जितना वेट है उतना तुमको सोने से तौल देंगे, जाना पड़ेगा है ना।
इतना पैसा होता है, लेकिन मुराद किए ना तुम तो वही काट कूट के फेंक देंगे, है ना, ये भी है। हाँ सर, 5 करोड़ वाला ऊपर ठीक है? कौन सा 5 करोड़ वाला? सर लड़का सीधा ढूंढते हैं इसी तरह से, नेता की बेटी सर 5 करोड़। अजय की तरह जो है स्मार्ट भी हो, सीधा भी हो, ज्यादा इधर उधर ना करने वाला हो, तो हमेशा गियर में रहेगा। और दूसरी चीज, यहाँ रहेगा नहीं, चला जाएगा अमेरिका लेकर के लड़की को, पैसा इतना दे ही दिए, वहां बिजनेस सेटअप कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ अन्ना को मान लो कभी कभी भागना पड़ जाए तो फिर कम से कम कोई घर परिवार का चिंता नहीं है, भेज देंगे परिवार को। और क्या अनफॉर्चुनेटली, अब इंजीनियर भी हैं सर। हो, अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ इंजीनियर हो तुम्हारा तो हम सेटिंग बनवा देते हैं। जो वहां पर जानते हो किसकी कनेक्शन बहुत तगड़ा, गजेंद्र का, कहाँ गया है कि नहीं? हाँ ये गजेंद्र जी, अरे बताओ इनको कुछ अन्ना के बारे में, आप तुम मिले हो सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, पूरा सेटअप है इनका, पूरा कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं सर इनका, और है ना 2-4 शादियों में इनको इनवाइट भी किया गया है, वहां इनके मुच्छ वाले अन्ना लोगों से ये कह रहे थे कि जो है ज्यादा उनसे क्या बता रहे थे, एक बार आप बता रहे थे, कुछ बता रहे थे ना, कुछ बताइए इन लोग, बता दिए मोटिवेशन आए बच्चों के अंदर कि हाँ इंजीनियर हो तो फालतू नहीं हो, वहां मांग है इंजीनियर की, नॉर्थ में तो इंजीनियर बताए छी इंजीनियरिंग किए हो, है ना, ये बात सही है सर। शादी देखने आएंगे तो कहेंगे ये बताओ पहले तुम इंजीनियरिंग तो नहीं किया हो, अगर किया हो तो कंप्यूटर साइंस तो नहीं तुम्हारा, कंप्यूटर साइंस तो नहीं है तुम्हारा सर। नहीं है सर कंप्यूटर साइंस, लेकिन इसी वजह से सर बाद में पीजीडीएम भी कर लिए। इंजीनियर मतलब पदाधिकारी इंजीनियर जो प्रेस्टीज मिलती है, मजा आ जाती है, हम लोग की भाई बड़ी वो करते हैं, सम्मान करते हैं इंजीनियरों का, है ना, डॉक्टरी को भी कम, इंजीनियर है ना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ गजेंद्र जी थोड़ा बता दीजिए इन लोगों को, नहीं तो हमारी बात भरोसा नहीं करेंगे, कहेंगे सर जी ऐसे बताते रहते हैं आप तो वहीं पूरा। नहीं सर बिल्कुल, इंजीनियरिंग का सर जैसे नॉर्थ में देखा जाए तो दबदबा है कि बहुत सारे हर घर में इंजीनियर मिल जाएंगे, उधर नहीं है, उधर सारे सर मच्छी पकड़ने वाला रहते हैं, तो एक दो रहते तो फिर जैसी मन मर्जी से मिल जाती है सर, हीरोइन जैसी मिलती फिर समझे, सोना ही सोना है सर, बहुत सोना है सर, 5 घंटा है पैसा भी खूब मिलेगा, पैसा जितनी मिलेगा भाई, देखो अन्ना खुद मछली पकड़ता था पहले, अब वो बड़ा हो गया है ना, तो अब बड़ा हो गया अमीर हो गया, लेकिन वो अब अपनी लड़की की शादी मछली पकड़ने वाले से नहीं करवाएगा, अब वहां पर इंजीनियर की कमी है ना, तो ढूंढेंगे ऐसा लड़का हीरा की तरह, है ना, अजय मेहरा मिल गए बढ़िया भाई, सोने तौल देंगे इनको, एक मर्सिडीज 50 ग्राम के करीबन सोना मिल जाएगा सर इनको नॉर्मल। 50 ग्राम का हूँ सर। अरे अभी तो तौलने की बात कर रहे थे, सोना चांदी पैसा से तौल देते हैं, हम तो यही सुने थे, कहा तो साउथ की पिक्चरों में भी देखे हैं, है ना, है तो स्कोप है। अच्छा ये बताओ बाबा का भी कुछ जुगाड़ बनेगा? आओ तो कभी उधर चले सर, करवा देंगे जुगाड़ की क्या बात है। अच्छा आपका कुछ फैंसी भी था, कुछ बता रहे थे आप ऐसा कुछ, मतलब फैंसी को मतलब ये कि आपको रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ सर बहुत उधर करते हैं सर, रियली में सर रेस्पेक्ट तो करते हैं डिफेंस वालों का, और जैसे सर सगाई का है तो बहुत जल्दी हो जाती है और खर्चा भी कम होता है, शादी एक दिन में खत्म हो जाती है सर, आप करो शादी और लेके चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में केवल उनका मच्छी और चावल बनता है खाने में भी, और कुछ नहीं बनता है। अरे तो जानने लायक नहीं मेरा, कैसे खाऊंगा आज एक शादी होगी यहाँ तो, क्या खाऊंगा बता दिया हमारे लिए होटल व्यवस्था कर दे ये तो बताओ पड़ा कैसे बनवाते सर, अगर होटल का खाना देख लेना तो खाने का मन नहीं करेगा सर, जिस तरह से वो बनाते हैं अगर, और चूल्हा भी उनका बाहर ही रहता है, जहाँ पर गेट में एंट्री होती है वहीं पर रहता है, देखते ही पहले उन, वो तो पता नहीं कैसे खाते हैं सर, लेकिन हमारा तो सेट नहीं होता था, सकला बेलन नहीं रखते, हाथ से गोल करेंगे, कांख में दबाएंगे और तवे पर रख देंगे।
अच्छा कैप्टन राहुल तुम्हारा भी तो, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन नहीं है ना इन लोगों से, अन्ना नहीं, से। नहीं कुछ देर रहा था बस, 2 साल रहा था, उसके बाद नहीं रखा जाता। अच्छा गजेंद्र जी का तो बहुत तगड़े हैं संबंध, इनसे संपर्क करो, इंजीनियर यहाँ जितने हो ना कुंवारे सब गजेंद्र जी से संपर्क करो, लेकिन एक शर्त होगी मेरी तरफ से है, जितना तुम्हें तौला जाएगा जितना सोना से 10% गजेंद्र जी का, ठीक है? और ठीक है 10% गजेंद्र जी का रहेगा, और 5% मेरा भी बनता है सर, मैं कन्यादान में रिटर्न कर दूंगा सर, बेस्ट है तो चलेगा, कन्यादान में वापिस कर दूंगा, वापिस कर दूंगा सर। कौन सी बात होती है, शादी करवा रहे हो तुम, आगे का प्लान, शादी के बाद का प्लान के लिए फिर मुझसे कांटेक्ट करना है दमुआ में। हाँ ठीक है, लेकिन गजेंद्र जी इनका बाबा का कुछ नहीं हो पाएगा ना, इंजीनियर नहीं है नहीं? सर इनको इनको यूपीएससी क्लियर करने दो सर, फिर हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, नहीं वो तो यूपीएससी वालों को मारते पीटते हैं सुने सर, उनकी इतना नहीं रहता, उनके वो ही चलती है, उनका ही चलता है, यूपीएससी वाले तो वहां पर जस्ट एज ए केवल बस कागजी कार्रवाई के लिए बैठे हैं, उनको पकड़ने काट कूट फेंक दे तो यूपीएससी वालों से उनका 36 का आंकड़ा रहता है आईएसपीसी से सर, लेकिन किसी का कोई काम करवा देंगे तो सर हो जाएगा सर। चलो हाँ ठीक है, कहेंगे हमारा दामाद है आईएस है तो खुदाई करेंगे जम के, है ना? हाँ ठीक है भाई, अब तुम यूपीएससी लपेट कर आ जाएंगे सर। हाँ बढ़िया, ये ठीक है। चलो भाई अगला, खत्म करने की कगार पे हैं हम लोग पठार सर, तेलंगाना के पठार की ऊंचाई बता दीजिए बस। ऊंचाई जरूरत नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा, हम जानते हैं पेपर क्या बनाता है ना। ओके जिसको हम दबाव देख बोले समझ लो पेपर में आने वाला है, बाकी जो ऐसे बोल रहे समझ लो कि वो सिलेबस पूरा कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि हमें पता रहता है कहाँ क्वेश्चन बनाएंगे ये, ठीक है? हाँ हमारे ससुर बैठे ना वहाँ, ठीक है चलो। अगला मेघालय, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार आते हैं भाई, है ना? हमने बताया था कि गारो और खासी की पहाड़ियां, है ना? गारो और खासी की पहाड़ियां, इनके बीच में एक पठारी भाग है, संयोग से वहां पहले ही बन गया था, जिसे कहते हैं मेघालय का पठार। ये जो है दूसरा इसका नाम है शिलोंग का पठार, क्योंकि शिलोंग वाला जो पार्ट है रीजन है वो इसमें आता है, ठीक है? डाउन फॉल्टिंग से इसका निर्माण हुआ है, मतलब कि बीच का पार्ट नीचे धंसा, लेकिन बहुत नहीं धंस पाया, लेकिन तब भी कुछ तो धंस गया, है ना? तो डाउन फॉल्टिंग से नीचे की तरफ जो फॉल्टिंग हुई है उससे सिंक्लाइन एंटीक्लाइन होता है ना, है ना? तो डाउन फॉल्ट जैसे ये 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 ऐसे, ठीक है? तो डाउन फॉल्टिंग से इसका निर्माण हुआ है, और फिर इसमें इतना सेडिमेंट कैसे आ गया, ठीक है? इसमें इतना सेडिमेंट आ गया है जो ब्रह्मपुत्र नदी है तथा गारो खासी में बहुत पानी होता है ना, कपिली नदी निकलती है वो सेडिमेंटेशन करती है, हैवी सेडिमेंटेशन करती है, तो इससे भी इसके डिपोजिशन से भी इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर मुख्य जो मृदा पाई जाती है वो आर्कियन, आर्कियन क्वार्टजाइट सेल और सीट है, आर्कियन क्वार्टजाइट सेल और सीट है, कठोर चट्टान होती है। यहाँ पर रिसर्च में करंट अफेयर की भी बात आ जाती है, 1 साल पुराना करंट अफेयर ऐसा, लेकिन जिससे कि सिलेबस ही चेंज हो गया ज्योग्राफी का,
एक नया कालक्रम चट्टान की जोड़ दी गई, क्योंकि पहले माना जाता था कि यह हिमालय काल की चट्टान है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर रिसर्च हुई तो पता चला कि भाई ये एक अलग ही कालक्रम की चट्टान है। ये इसका फॉर्मेशन तब हुआ था जब ये इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया जब भाग था अफ्रीका का, तब वहां पर, क्योंकि इसमें अगेन बाय अगेन हीटिंग एंड कूलिंग के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं जो मरुस्थल में देखने को मिलता है। तो इसे एक नया कालक्रम जोड़ दिया गया, मेघालयन एज, और तुम लोग इसे सर्च करके बताना, मेघालयन कालक्रम, एक नया सिलेबस जुड़ गया। और इसलिए यहां से क्वेश्चन, हालांकि यूपीएससी ने उसी साल पूछ डाला है ना, लेकिन आगे पूछ ले, करंट अफेयर की तरफ से नहीं, प्री की तरफ से पूछ ले तो बात अलग है। तो ये हो गया शिलांग, यहाँ पर सबसे ऊंची जगह है, 1961 मीटर की ऊंचाई पर है। खासी की है ना सर, शिलांग खासी की हाईएस्ट पीक है ना? हाँ, शिलांग खासी की है जो इसी से लगी हुई है, शिलांग हिल है ना, और इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं, शिलांग पहाड़ी भी है, शिलांग का पठार भी कहा जाता है, शिलांग जगह भी, ठीक है। अगला आता है असम में, चलो कर्बी यांगलांग, अजीब सा नाम, कर्बी यांगलांग का पठार, यह है आपके असम में, इधर नॉर्थ ऑफ मेघालयन प्लेटू, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ, ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबानसिरी है ना, ये सब नदियां हैं जो यहाँ से खूब अच्छी कटाई करते हुए आ रही हैं। पठार हो गया नाटा, नाटा इतना हो गया है बेचारा कि केवल 300 मीटर इसकी ऊंचाई रह गई। ठीक है, लेकिन मानस क्या कहते हैं उसे, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व तीनों है ना, वो यहाँ पर अवस्थित है मानस नदी पर, वो है बना हुआ है, ठीक है। और इसके नॉर्थ में ऊपर वही मिकिर पहाड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में इसके मिकिर पहाड़ी चले जाओगे फिर एंट्री मार जाओगे, ठीक है। तो यानी कि कौन सा पठार है, कार्बी यांगलांग का पठार, कहाँ लिखते हैं, ठीक है, कार्बी यांगलांग का पठार। तो इसी के साथ ही हम लोगों का पठार खत्म हो जाता है, और कल से हम लोग दंड तराई का पठार नहीं पढ़े अपन, पढ़ा तो डाले हूं मैं, बता दिया हूं उसी में, कल ही बताया था, कल ही पढ़ाया था क्या, बनाया पता, कुछ पढ़ाया था मैंने, मुझे लग रहा है जैसे मैंने पढ़ाया था, सिर्फ बनाए थे, सिर्फ इतना बताए थे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में, बस उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन नहीं पूछते हैं, गोंड जनजाति पाई जाती है, गोंड ट्राइब पाई जाती जो भविष्य विचारने के लिए जाने जाते हैं, इनमें हाँ इनमें केवल बहुत कम लोग बचे हैं है ना, कईयों को तो मरवा डाला गया था, ये सब फ्यूचर देख लेते हैं ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, छत्तीसगढ़ में है। बोलो भाई सर, मेघालय, सर मेघालय प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट था क्या, मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि बिल्कुल ये छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट था पूरा यहाँ से वहां तक, ठीक है, राजमहल गारो गैप बीच में इसको बाद में अलग कर देता है, पहले पूरा पठार ही था ये कई साथ पूरा, भाई इसको हमने पीला रंग कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अलग हो गया है, वो लैंड एरिया ही है।
ये गारो खांसी जनकिया जो पहाड़ियां हैं ये भी प्रायद्वीप की भारत की पहाड़ियां थी क्या पहले? और क्या, ये पूरा भारत है तो था ही, ऐसा था हमारा भारत, ऐसा था हमारा भारत है ना, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। खैर जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ, हम कोई दिक्कत नहीं भाई, जो होता अच्छे के लिए होता है, अब और टुकड़े ना हो बस, है ना, जो हो चुका वो वापस नहीं आएगा, लेकिन और टुकड़े ना हो देश के, भारत की अखंडता बनी रहे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आप लोग जो है कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, मेघालय का पठार जो है वो डक्कन के पठार का हिस्सा था, इसको कौन अलग किया? मालदे समथिंग आप कुछ बोले थे, मालदा राजमहल, राजमहल गोवा, राजमहल गारो गए। ओके।